हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग से क्या लाभ है, टेस्टिंग का क्या महत्व है, टेस्टिंग क्यों करते हैं और टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि टेस्टिंग का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। टेस्टिंग हैज़ अ वाइटल रोल इन ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें टेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि पहला है नोइंग मोलिकुलर आर्किटेक्चर, मतलब कि मोलिकुलर जो भी होते हैं उसके जो आर्किटेक्चर, मतलब कि उसके बनावट जो होता है, संरचना, उसको जानने के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, और तीसरा है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, उसके प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर में क्या रिलेशंस हैं उसको जानने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड एंड टेस्ट डाटा यूजेज, मतलब कि कहाँ कहाँ हम लोग टेस्ट डाटा का यूज करते हैं और जो टेस्ट करते हैं उससे जो डाटा मिलता है उस कहाँ कहाँ उपयोगी होता है वो देखते हैं। पहला है कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स, डिजाइनर्स एंड एंड यूजर्स, मतलब कि डेवलपर्स, डिजाइनर्स और एंड यूजर्स के बीच का जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसमें यूज होता है डाटा का। जो भी टेस्ट से हमें रिजल्ट मिलता है, जो टेस्ट डाटा मिलता है, उसका यूज वहाँ होता है। दूसरा है रिलेबिलिटी ऑफ द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड इंड यूजर्स, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं और जो इंड यूजर होते हैं, उनके लिए एक जो मैन्युफैक्चरिंग में जो रिलेबिलिटी होता है, मतलब जो विश्वसनीयता होता है, उसमें उसका यूज होता है। और तीसरा है प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब कि प्रोडक्ट डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही सही कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम लोग टेस्ट जो करते हैं उससे जो डाटा होता है उसका उपयोग करते हैं उसमें। तीसरा पॉइंट है टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, टेस्टिंग जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एक अभिन्न हिस्सा है, प्रोडक्ट डिजाइन का भी एक अभिन्न अंग है और मैन्युफैक्चरिंग का भी एक अभिन्न अंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में क्या है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि टेस्टिंग की क्या क्या आधारभूत पहलू है, क्या क्या फंडामेंटल हैं उसके, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंड प्रोडक्ट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, डिजाइन करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग कंडीशंस, मतलब कि एक इंड प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज, डिजाइन, विशेषता और प्रोसेसिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। टेस्ट डाटा हेल्प्स, टेस्टिंग से जो हमें डाटा मिलता है वो कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है उसके बारे में देखते हैं। टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स फॉर पार्टिकुलर एप्लीकेशंस, मतलब पार्टिकुलर जो एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ प्लास्टिक सूटेबल है यूज करने के लिए, एप्लीकेशन क्या क्या है उसका, उसमें हमें जो डाटा मिलता है वो उपयोगी होता है। दूसरा है द फिजिकल प्रॉपर्टी डाटा ऑब्टेंड बाय टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फेलियर एनालिसिस, मतलब कि द फिजिकल प्रॉपर्टी डाटा ऑब्टेंड, जो उसका भौतिक गुण का जो डाटा मिलता है वो कहाँ होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो जरूरी होता है। और अगर फेलियर एनालिसिस, मतलब कहाँ कहाँ फेलियर हम लोग हो रहे हैं उसका एनालाइज करने में वो डाटा का उपयोग होता है। थर्ड है द टेस्टिंग डाटा आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के यूज को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो डाटा का हम लोग यूज करते हैं, जो टेस्ट के बाद हमें डाटा मिलता है। और चौथा है टेस्टिंग फीडबैक हेल्प्स टू इम्प्रूव डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब कि हमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और डिजाइन, मतलब डिजाइनिंग करने के लिए जो उससे हम लोग फीडबैक मिलता है डाटा से, वो हमें हमारा डिजाइन इम्प्रूव करता है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या क्या है अब उसके बारे में जानते हैं। तो है क्वालिटी कंट्रोल डाटाज आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग द सुटेबल मटेरियल, डिजाइन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, इट कैरीज आउट द एक्चुअल टेस्ट, मेक यूज ऑफ टेस्ट प्लानिंग एंड टेस्ट डाटा प्रोसेसिंग, द डाटा प्रोसेसिंग हेल्प्स टू चेकिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि सुटेबल मटेरियल, डिजाइन और प्रोडक्ट क्वालिटी खोजने के लिए, मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल जो डाटा होता है वो बहुत यूजफुल होता है।
और जो ये एक्चुअल टेस्ट जो करता है ना, उसका जो टेस्ट प्लानिंग है और टेस्ट का जो प्रोसेसिंग का जो यूज है, वो हम लोगों को रिप्रोड्यूसिबिलिटी और टेस्ट रिजल्ट की एक्यूरेसी की जांच करने में जो मदद मिलती है उससे हमें। उसके बाद स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टेस्ट, टेस्ट का क्या क्या स्टैंडर्ड मेथड है उसके बारे में जानते हैं। पहला, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर एलिवेशन इवेलुएशन, ठीक है। क्या क्या इवेलुएट करने के, क्या क्या मतलब आंकने के लिए हमें ये जो डाटा है, स्टैंडर्ड मेथड है, वो कहाँ कहाँ यूजफुल होता है, किस क्या क्या उससे इवेलुएट करते हैं। पहला है बेसिक प्लास्टिक मॉलिक्यूल फ्रॉम लेबोरेटरी लेवल टू द रेजिन एंड द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट और रेजिन का जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी से लेके और प्रोडक्ट रेजिन तक हमें ये डाटा यूजफुल होता है, ठीक है। इट हेल्प्स प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, मतलब कि यह उत्पाद का विश्वसनीयता होता है ना, उसको बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कि हम टेस्ट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत इफिशियंट प्रोडक्ट है और ये बहुत दिन तक चलेगा, तो इससे विश्वसनीयता बनती है लोगों की, तो ये वहाँ यूजफुल होता है। और थर्ड है लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो ये दायित्व होता है ना प्रोडक्ट का, वो फुलफिल होता है इससे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रीजन फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के क्या क्या रीजन है। टू इंश्योर, मतलब कि इंश्योर होने के लिए, मतलब कि वो सेटिस्फाई होने के लिए। पहला है इनकमिंग रॉ मटेरियल आर एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी, मतलब जो इनकमिंग मटेरियल मेरा आ रहा है वो सिलसिलेवार क्वालिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वालिटी में कुछ डिफरेंस तो नहीं है, उसके लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं इंश्योरिटी के लिए उसके। सेकंड है प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी, मतलब जो अपना उत्पाद है वो उत्पाद स्वीकार और लगातार गुणवत्ता वाले हैं कि नहीं है, उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। थर्ड है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस इज कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मतलब कि पूरा जो प्रक्रिया का जो लास्ट मतलब एंड प्रोडक्ट जो अंतिम उत्पाद होता है वो कंसिस्टेंट है और एक्सेप्टेबल है कि नहीं उसका क्वालिटी, उसके लिए हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद टू इवेलुएट, मतलब उसको आंकने के लिए, इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। क्या क्या आंकते हैं उसमें, न्यू और कॉम्पिटिटिव और मॉडिफिकेशन टू अ प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस में कुछ कंपटीशन है, जैसे कि मार्केट में आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं प्लास्टिक का, वो आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, कोई और बना रहा है वो 90 का बेच रहा है, तो आपके साथ कंपटीशन हो गया उसका, तो उसके लिए भी आप टेस्ट करते हैं कि वो क्या है कि 90 का बेच रहा है, हम क्यों 100 का बेच रहे हैं, तो आप टेस्ट करके उससे कुछ डाटा फाइंड आउट आप करते हैं, तो फिर आप उस डाटा के हेल्प से उसमें कुछ चेंजेस करना रहता तो करते हैं आप कॉस्ट कटिंग करते हैं उसमें, ठीक है, तो वो बाद में हम देखेंगे, पहले ये देखते हैं आगे क्या क्या है। द फिटनेस फॉर पर्पस ऑफ अ मटेरियल प्रोसेस और प्रोडक्ट, मतलब किसी भी मटेरियल का जो प्रोसेस है या जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद है उसके जो उद्देश्य है उसके फिटनेस के लिए हम इवेल्युएशन के लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टू ऑब्टेन, मतलब कि ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करते हैं, अर्ली एविडेंस ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका क्या क्या एविडेंस है, वो सब के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, एक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन के प्रारंभिक साक्ष्य के लिए मतलब टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रूव, मतलब क्या क्या इसे प्रूव होता है, साबित होता है, डिजाइन एस्पेक्ट्स, मतलब कि आप जो भी डिजाइन का आपका है वो आप उसको प्रूव करने के लिए आप टेस्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी, आपके क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसका क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब जो टेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मेजर 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला है एनालिटिकल टेस्ट, मतलब कि विश्लेषणात्मक परीक्षण। सेकंड है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेस्ट, मतलब मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो टेस्ट होता है। थर्ड है मटेरियल प्रॉपर्टी टेस्ट और फोर्थ है प्रोडक्ट टेस्ट, मतलब प्रोडक्ट का टेस्टिंग, ठीक है। ये 4 टाइप का मेजर प्रोडक्ट टेस्टिंग है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एनालिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट में है एनालिटिकल टेस्ट, मतलब एनालिटिकल टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, तो देखते हैं। एनालिटिकल टेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब किस किस चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ये ज़रूरी है डेवलपमेंट ऑफ न्यू, नया मटेरियल कुछ डेवलप करना है आपको, विकसित करना है उसके लिए, प्रोडक्ट डिजाइन करना है उसके लिए, और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। अब ये सब एनालिटिकल टेस्ट का इंपॉर्टेंट है, इस सब के लिए ज़रूरी है। फिर अब देखते हैं मेजर एनालिटिकल टेस्ट्स आर, और मेजर एनालिटिकल टेस्ट क्या क्या है वो भी देखते हैं। वो है डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, तो ये
टेस्ट जो है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम जानते हैं मेजर एनालिटिकल टेस्ट क्या क्या हैं और किसको इसको मेजर टेस्ट बोलते हैं। तो डेंसिटी और ग्रेविटी टेस्ट हो गया। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट मतलब पानी कितना कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, उसका टेस्ट होता है। और तीसरा हो गया मॉइस्चर एनालिसिस, ठीक है, मॉइस्चर। और चौथा हो गया सीव एनालिसिस। तो ये चार जो टेस्ट हैं वो मेजर एनालिटिकल टेस्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट है मटेरियल करेक्टराइजेशन टेस्ट। जैसे कि हम आपको बताए थे कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें है सेकंड में है मटेरियल करेक्टराइजेशन टेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं मटेरियल करेक्टराइजेशन टेस्ट में क्या क्या आता है। मटेरियल करेक्टराइजेशन टेस्ट आर यूज्ड फॉर टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू डिटरमाइन केमिकल कंपोजिशन, उसका क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कैसे कैसे वो बना है, उसके बनावट संरचना के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए, और डिटरमाइन फ्लो बिहेवियर, उसका बहाव फ्लो बिहेवियर क्या है, मतलब कैसे वो फ्लो करता है, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। उसके बाद है मेजर करेक्टराइजेशन टेस्ट्स आर। अब जो मेजर टेस्ट क्या क्या है वो है MFI मेल्ट फ्लो टेस्ट, जिसको बोलते हैं मटेरियल का फ्लो रेट देखते हैं, विस्कोसिटी हो गया वो भी उसमें, मटेरियल का भी फ्लो रेट उसमें भी देखते हैं। विस्कोसिटी में जो मटेरियल ज़्यादा विस्कस होगा उसका फ्लो रेट कम होगा, कम विस्कस होगा ज़्यादा होगा, वो देखते हैं, वो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है मोलिकुलर वेट एंड मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्या क्या है टेस्ट्स में। चौथा है थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब कि उसका थर्मल प्रॉपर्टीज कैसा है, TGA, DSC, TMA ये सब होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी, ये सब टेस्ट जो हो गया मेजर करेक्टराइजेशन टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है मटेरियल प्रॉपर्टी टेस्ट है, ठीक है। अब मटेरियल प्रॉपर्टी टेस्ट क्या होता है, इसमें है फर्स्ट है मटेरियल प्रॉपर्टी डाटाज आर द मेजर रिसोर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोडक्ट एंड मोल्ड डिजाइन, मतलब कि जो फिजिकल आपको प्रॉपर्टी होता है ना उसका जो डाटा है वो सामग्री के चयन, मतलब कि आपको मटेरियल का जो सिलेक्शन होता है, फिर प्रक्रिया अनुकूल मतलब कि प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, और उत्पाद और मोल्ड डिजाइन के लिए प्रमुख संसाधन है मतलब रिसोर्सेज है, तो ये सब में हेल्प मिलता है मटेरियल प्रॉपर्टी टेस्ट से, जो डाटा मिलता है उससे। नेक्स्ट है द बिहेवियर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स आर डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स सच एज ASTM, ISO, ETC, मतलब कि जब वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल आर डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड से जो बहुत सारा प्रॉपर्टी मटेरियल का जो आता है डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि ASTM से करते हैं, ISO से करते हैं, ISI के थ्रू करते हैं, तो वो सब हो गया, उससे हम लोग को डाटा मिलता है, तो उससे हेल्प मिलता है हम लोग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और उसके बाद है द मोस्ट कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टी टेस्ट्स आर, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी टेस्ट है वो बताते हैं क्या क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका भौतिक मतलब यांत्रिक जो गुण हो गया वो, थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, विदरिंग प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये उसका कॉमन कुछ प्रॉपर्टीज है मटेरियल के, उसके बारे में ये कुछ 6-7 जो प्रॉपर्टी है मटेरियल के वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट है उसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग या प्रोडक्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है जैसे कि पानी का टंकी हो गया, पानी वाला बोतल हो गया, पाइप हो गया, कोई भी प्रोडक्ट मतलब प्लास्टिक का बना हुआ प्रोडक्ट, उसका टेस्ट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है। फर्स्ट है टेस्टिंग ऑफ प्लास्टिक्स प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि ये उत्पाद प्रदर्शन की भविष्यवाणी के लिए प्लास्टिक उत्पाद का परीक्षण महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ हम कहते हैं ना ये प्रोडक्ट है ये 10 साल चलेगा, तो कैसे करते हैं वो टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग, तो हम बताते हैं कि प्रोडक्ट 10 साल चलेगा, तो ये एक प्रिडिक्शन करते हैं, उसके लिए ये जरूरी है टेस्ट करना। सेकंड है दिस टेस्ट कैन बी कैरीड आउट फ्रॉम टेस्ट स्पेसिमेन विच इज़ प्रॉपरली प्रिपेयर्ड बाय मशीनिंग द प्रोडक्ट और द होल प्रोडक्ट, मतलब ये जो हम लोग जो सैंपल करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, या तो वो मशीनिंग करके बनाते हैं प्रोडक्ट को, काट काट के उसको मशीनिंग करके बनाते हैं, या फिर पूरे प्रोडक्ट का हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नॉन डिस्ट्रप्टिव टेस्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग में होता है दो टाइप का टेस्टिंग, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब NDT। तो इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्टिव में पूरे तरफ प्रोडक्ट को मतलब किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं उसको काट काट के बर्बाद कर देते हैं, काट काट के टेस्ट करते हैं मतलब पार्ट बाई पार्ट करके, और NDT में क्या होता है कि हम उसको बिना काटे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है प्रिफरेबल वेयर द प्रोडक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड विच कैन नॉट बी डिस्ट्रक्ट,
मतलब कोई प्रोडक्ट अगर ज़्यादा महंगा है तो वहाँ ये टेस्ट प्रीफर करते हैं, मतलब बोलते हैं ये टेस्ट उसमें किया जाता है, या फिर जो डिस्ट्रक्ट होने वाला नहीं है, मतलब जो कटने पीटने वाला नहीं है प्रोडक्ट, उसमें हम NDT करते हैं। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक एंड रेडियोग्राफी मेथड्स आर एडवांस्ड। इसमें एडवांस मेथड है टेस्टिंग का NDT में, अल्ट्रासोनिक रेडियोग्राफी है और एडवांस ये सब टेक्नोलॉजी है NDT में। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने टेस्ट क्यों करते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं टेस्ट के। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में टेस्टिंग के बारे में और सारी जानकारी लेके। धन्यवाद।